एग्जाम देकर आ रहे हैं। हाँ, कहाँ सेंटर था आपका? गोरखपुर। गोरखपुर। कितना क्वेश्चन मार कर आए हैं? 96 क्वेश्चन मार्क आए हैं। 96 क्वेश्चन मार कर आए हैं। जी, किस जोन से हैं? गोपालगंज। जी, गोपालगंज जोन से हैं। अरे किस जोन से फॉर्म भरे हैं? हथुआ जंक्शन से भरे हैं। अच्छा, हथुआ जंक्शन से फॉर्म भरे हैं। जी, कोई क्वेश्चन आपको याद है? मेरा मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है तो क्वेश्चनवा कहाँ से याद रहेगा। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है? मेरा मोबाइल नंबर नहीं याद तो क्या करें। ओहो, अच्छा कहीं कोचिंग भी करते थे? हंसुआ हाँ, सुबह में कोचिंग करते थे। जी, में कोचिंग करते थे। किस सर के पास कोचिंग करते थे? मुकेश सर के पास। मुकेश सर के पास। जी ओ, तब ना इतना टैलेंट है आपके अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तब अब तो आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस है ना कि परीक्षा निकल जाएगी? कॉन्फिडेंस है तभी तो परीक्षा देकर आए हैं। मैंने विश्वास है कि रिजल्ट हो जाएगा, विश्वास 100% विश्वास है। कि रिजल्ट हो जाएगा। जी, जी, तब तो आपको फिजिकल तैयारी करना चाहिए, वेट ज़्यादा है आपका। तो आज से दौड़ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज से दौड़ स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको कामयाब करें। देखिए, हम आपको इनसे मिलवा रहे हैं। ये हैं विनोद का चाचा। ये विनोद का चाचा हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, 96 क्वेश्चन मारे हैं, और इन्होंने फॉर्म गोपालगंज जोन से भरे हैं। तो चलिए भाई, हम आपको इनसे मिला दे रहे हैं। पहले तो हम जानते थे कि हाजीपुर जोन होता है, गोरखपुर जोन है, इलाहाबाद जोन है, कोलकाता जोन है, लेकिन अब ये नया जोन गोपालगंज हो गया, ये हमको पता नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, एक और नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई। ये हमारे विनोद जी के चाचा जी हैं, इनसे आपको मुलाकात करा दे रहे हैं। धन्यवाद।